शारदीय नवरात्रि पर 9 दिनों तक पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का मंगलवार को मंत्रोच्चारण और मां जगदम्बे की आरती के साथ भक्तों ने नाचते गाते हुए नम आंखों से मां की विदाई दी और प्रतिमाओं को राप्ती तट पर बनाए गए पोखरे में विसर्जन किया। इस दौरान राप्ती नदी के किनारे बनाए गए विसर्जन स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश रस्तोगी सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी व पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया। अरे हम वहीं से आए थे, इसलिए हम लोग वापस आए। बच्चा 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 फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन से निकाल करते हैं, ट्रैक्टर बना देते हैं, यहाँ से लेकर पुल के नीचे गड्ढा करके और गाड़ देते हैं। अच्छा, ये प्रक्रिया मालूम नहीं तो अब दोबारा बता दें। अच्छा,
घरा कहाँ है? बारामपुर में। ऐसा है यार ना, हम दिखा देंगे डॉक्टर को, सही हो जाएगा। नगर निगम माना आपको, जिला नगर निगम करा देगा। देखो ये डॉक्टर साहब है नगर निगम, नंबर वाला आदमी गाड़ी मार रहा है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, हमारी बाई और एक दो और तीन बड़े बड़े पोखरे बनाए गए हैं और इनकी क्षमता इतनी है कि परंपरागत रूप से जितनी मूर्तियां आती हैं उनका विसर्जन बहुत अच्छे से इसमें हो सकता है। कितनी मूर्तियां गाने को मिल रही हैं? पिछले वर्ष कुल कितनी मूर्तियां आई थी? 1500 मुझे लगता है, 1500 से ज़्यादा ही मूर्तियाँ आए। जी जी बिल्कुल, अगर कोई किनारे विसर्जन कर देता है तो उन मूर्तियों को बीच में ले जाने की व्यवस्था है, क्योंकि किनारे की जितने क्षेत्र हैं, किनारे का क्षेत्र है उसे साफ रखना जरूरी है कि अन्य मूर्तियां भी आएंगी तो उनको बीच में कर दिया जाता है। लाइट की व्यवस्था की है? जी हाँ, प्रकाश व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। कब तक चलने की उम्मीद है? जब तक विसर्जन नहीं हो जाएगा तब तक चलने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि कल इस 8-9-10 दिन मुख्य भीड़ तो आज और कल रहेगी। कुछ लोग अपनी मान्यता के अनुसार देर से भी विसर्जन करते हैं तो ये बना रहेगा और यहाँ ड्यूटियाँ लगी रहेंगी। क्रेन की व्यवस्था की गई? क्रेन की व्यवस्था नहीं की गई। जी जी, हमारे कर्मचारी हैं वो लोग करा रहे हैं, उन लोग मदद करने के लिए यहाँ पुलिस व्यवस्था भी है, हमारे कर्मचारी गण हैं, हम सभी लोग लगे हुए हैं। जैसे ही प्रतिमा डाली जाती है इसमें तो किनारे का क्षेत्र मैंने बताया कि खाली रखने के लिए, और प्रतिमा का जो भाग सालुबल है वाटर में वो तो हो जाता है, बाकी अवशेष के लिए हम लोग अवशेष को निकालते हैं और उधर पीछे की ओर एक गड्ढा बनाया गया है, उस अवशेष को वैज्ञानिक रीत से उस गड्ढे में दबा दिया जाता है। पोखरा नहीं है वो, गड्ढा है, उसमें पानी नहीं भरा गया है जी। हाँ, तो साइंटिफिक डिस्पोजल जिस तरह से हो सकता है वो हम लोग करते हैं।